सत श्री अकाल जी, मैं इम्तियाज बराड़ और चढ़दी कला टाइम टीवी के उपर तुहाडा सारयां दा स्वागत है। किसान दिल्ली दियां सरहदां ते बंद सड़क नूं खोलण लई बनाई गई हाई पावर कमेटी दे नाल गलबात लई तैयार हन, पर किसानां दा इह वी कहना है कि उन्हां ने कोई रस्ता बंद ही नहीं कीता। सरकार ते पुलिस ने सड़कां बंद कीतियां हन अते अजिहे दे विच सरकार नूं उन्हां लोकां दे नाल गल करनी चाहीदी है जिन्हां ने इन्हां सड़कां नूं रोकिया है। टिकरी सरहद ते अंदोलन कर रहे किसानां दा कहना है कि वह सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग ते बैठे हन, पर पुलिस ने दिल्ली नूं जाण वाली छोटी सड़क नूं भी बंद कर दिता। इन्हां छोटियां सड़कां नूं खोलण लई किसान कई बार प्रशासनिक अधिकारियों नूं मिल भी चुके ने, पर दिल्ली दियां सरहदां ते जो किलाबंदी की गई है वह किसानां ने नहीं बल्कि पुलिस अते सरकार ने की है। इस दे बारे विच किसानां ने खुद अगे आके कहा है। इस तो अलावा किसान इस गल तो भी हैरान हैं कि सरकार बंद सड़कां ते गलबात करन लई कमेटी बना रही है पर खेतीबाड़ी कानून ते गल करन लई तैयार नहीं है। किसानां दा कहना है कि सरकार किसानां दा जीवन बहुत सस्ता समझती है। सरकार खुद सड़कां बंद करके लोगों को परेशान कर रही है। 26 जनवरी तो पहला किसान टिकरी सरहद राही एंबूलेंसा नूं बेहतर रस्ता दिंदे सन अते खुद बैरीकेड हटा के देश की राजधानी दिल्ली की सरहद दे विच दाखल करवाउंदे सी, पर पुलिस की किलाबंदी होने के कारण हुण पैदल चलण वालियां नूं भी इत्थे जाण दा राह नहीं दिता जा रहा। जदों कि किसानां ने माल ढोहण अते मजदूरां नूं टिकरी सरहद दे नेड़े स्थित बहादुरगढ़ दे आधुनिक उद्योगिक खेतर भाग 1 अते भाग 2 दीयां फैक्ट्रियां दे विच जाण लई पहलां ही एक तरफा सड़क खाली करके दित्ती हुई है। इस तो इलावा किसान आगुआं दा कहना है कि किसान किसी नूं भी तंग नहीं करदा, इसकी बजाय वह हर किसी का सन्मान अते उन्हां दी समस्या का हल करना चाहते ने। हालांकि अंदोलन नूं दिल्ली दीयां सरहदां तों तब्दील करन दे सवाल ते किसान नेतावां दा कहना है कि वह 3 खेतीबाड़ी कानून रद्द होण तक अंदोलन नूं जारी रखणगे अते मरण तक अंदोलन नूं किसी होर थां ते लै के नहीं जाणगे। दस दईए कि कल हरियाणा सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है जो कि दिल्ली दियां सरहदां ते बंद सड़कां नूं खोलण की दिशा च किसानां दे नाल गलबात करेगी, पर किसान दिल्ली ना जा सकण इसलिए पुलिस ने रस्ते दे विच बैरीकेडिंग की हुई है। वड्डे कंक्रीट पत्थर रखे हुए ने, इन्ना ही ने सड़कां ते किला जिहड़ियां हुंदियां ने किलां भी बिछाईआं होईआं ने अते इस दे नाल ही कच्चियां सड़कां नूं भी पूरी तरह बंद कर दिता है, जिस कारण आम लोगों नूं भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। इन्हां सड़कां नूं खोलण लई उद्योगपतियां अते आम लोगों ने मनुखी अधिकार कमिशन अते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच की है। इस करके हरियाणा सरकार ने तेजी दिखाई अते हुण रस्ता खोलण लई एक हाई पावर कमेटी बनाउण दी गल भी आख दित्ती है, पर जदों साफ साफ तरीके दे नाल किसान कह रहे ने कि जदों तुसीं कमेटियां बना सकते हो सिर्फ सड़कां नूं खोलण दे वास्ते, पर जो लोग सड़कां दे उपर बैठे ने उहनां दीआं गल्लां समझण दे वास्ते सुणन दे वास्ते तुहाडे कोल वक्त क्यों नहीं है। जेकर पहलां 26 जनवरी तो पहलां 11 गेड़ दीआं मीटिंगां लगातार एक ते एक हो सकदीआं ने तां फिर हुण दोबारा गल्लबात क्यों नहीं शुरू हो सकदी। पिछले 7-8 महीने तो बिल्कुल मुकम्मल तरीके दे नाल गल्लबात बंद हो चुकी है, तो उस गलबात शुरू करन दे वास्ते किस प्रकार दे नाल आने वाले समय दे विच सरकार दे वल्लों ते किसानां दे वल्लों पहलकदमी दे वास्ते अगे अपने कदम वधाए जांदे ने, इस दे बारे विच जानना बहुत ज़्यादा अहम होवेगा क्योंकि अन्नदाता किसान जिहड़ा हैगा है पूरे समाज का ढिड भरदा है। अज उस नूं जदों सड़कां दे उपर सर्दी गर्मी बरसातां दे विच रुलना पै रहा है तो इसका जवाब हरेक वह बंदा जो कि लोकतंत्र नूं कल्याणकारी राज अते अपने आप नूं कल्याणकारी राज दा रखवाला कहिंदा है तां उस नूं इसका जवाब बिल्कुल देना बनता है। तो इस दे नाल जुड़ियां हुई होर भी जिहड़ियां अपडेट्स नाल दी नाल आउणगियां वह भी असीं तुहाडे नाल सांझियां करदे रहांगे, तो जुड़े रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे उपर अते इस दे नाल ही इम्तियाज़ बराड़ नूं दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल।